अच्छा तो जी दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि डॉकर की इमेज को पुल कैसे करते हैं और उसको हम रन कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं मिस कर गया था। काइटमैटिक में एक फैसिलिटी और भी ये है कि जिन जिन लोगों के पास, जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं, उनके पास जैनी मोशन इंस्टॉल होता है इमोलेटर वगैरह रन करने के लिए, तो जैनी मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करता है, डॉकर को चलने नहीं देता प्रॉपर। तो जब जिनके पास ऑलरेडी जैनी मोशन इंस्टॉल है या वर्चुअल बॉक्स टाइप की कोई चीज़ इंस्टॉल है, तो जब वो काइटमेटिक को चलाएंगे ना, इनिशियली इसको रन करेंगे, तो ये फ़ौरन आपको ऑप्शन दे देता है वर्चुअल बॉक्स पे चलाने का। तो होता क्या है कि आपका जो जेनी मोशन है वो भी वर्चुअल बॉक्स पे चल रहा होता है और डॉकर भी आपका वर्चुअल बॉक्स पे चल जाता है, हाइपर वी को इस्तेमाल नहीं करता फिर डॉकर आपका। तो काइटमेटिक के ज़रिए जो है ना, ये वैसे आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं कि आप डॉकर को कह दें कि भाई आपने जो है हाइपर वी इस्तेमाल नहीं करना, आपने जो वर्चुअल बॉक्स यूज़ करना है, ये आप कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पर क्योंकि यूआई है, यूज़र इंटरफेस है, और वैसे भी आप यहाँ पे सेटिंग होती है, सेटिंग में जाके आप इसको बता दें कि यार यूज़ वर्चुअल बॉक्स, इस पर अगर मैं चेक लगा दूँ तो ये मेरी मशीन का हाइपर वी फीचर इस्तेमाल नहीं करेगा, ये वर्चुअल बॉक्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। जो मेरे पास भी वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल है, मगर वो क्योंकि मैं इस्तेमाल नहीं करता तो मैंने वर्चुअल बॉक्स को बंद किया हुआ है। अच्छा जी, तो ये तो थी बात इसके हाइपर वी की। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉट जेएस का बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है। हमने कहा था कि हम डॉकर के ऊपर अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, उसको पुश करेंगे कहीं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है छोटा सा, इसको हम पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। जो लोग ऑलरेडी नॉट जेएस वगैरह पे काम कर रहे हैं उनको तो आइडिया हो जाएगा, बहुत ही छोटा सा सर्वर है ये। अच्छा, ये मेरा इंडेक्स का पेज है जिसके अंदर ये एक्सप्रेस को मैंने किया हुआ है रिक्वायर। उसके अलावा पोर्ट और होस्ट का एक यहाँ पे वेरिएबल बना दिया है, ये सिंपल एक राउट बना हुआ है, स्लैश के राउट पे ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट जो है वो प्रिंट कर देगा और इसी तरह का टेक्स्ट जो है रिटर्न भी कर देगा। अच्छा जी, और यहाँ पे ऐप डॉट लिसन पे जो पोर्ट मैंने यहाँ सेट किया हुआ था उस पोर्ट पे चला दिए। अच्छा, मैं यहाँ पे जो वो क्या कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट वेरिएबल से एक पोर्ट की वैल्यू उठा के उस पोर्ट पे इसको चलवा रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हम जब वैसे भी वेब एप्लीकेशन जब हम चलाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि जिस मशीन पे ये जाके डिप्लॉय होने वाली है तो उसका पोर्ट कौन सा हमें अवेलेबल होगा, तो वो मशीन डिसाइड करती है। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना प्रोजेक्ट हेरोको पे डिप्लॉय करता हूँ तो हेरोको डिसाइड करता है कि इस प्रोजेक्ट को किस पोर्ट पे चलाना है। क्योंकि हम तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3000 लिख दें, हमें तो अपनी मशीन का पता है कि 3000 पोर्ट अवेलेबल है, लेकिन उस मशीन का हमें पता नहीं होता, तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल से हम उठा लेते हैं, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में हम इनपुट देते हैं। अच्छा, तो अभी हम उस पर आते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल कैसे सिस्टम है इसके अंदर। तो ये हमने चला दिया, पोर्ट पे चला दिया उसको। अच्छा, और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास नॉड मॉड्यूल्स हैं एक जो लोकल चलाने के लिए। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास गिट इग्नोर है जो वर्जन कंट्रोल के लिए हमारे पास फाइल है। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास पैकेज डॉट जेसन है और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन है। ये पैकेज डॉट जेसन हमारा है, इसके अंदर सिंपल सिर्फ एक एक्सप्रेस की डिपेंडेंसी हुई भी है। अच्छा, और एक रीडमी डॉट एम डी है। अच्छा, ये वो फाइलें जो मैंने बताई हैं आपको, ये डॉकर से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, डॉकर से रिलेटेड तीन फाइलें हैं इसके अंदर। पहले तो हम इसको प्रोजेक्ट को लोकल चला लेते हैं। हमने कहा कि npm start। अच्छा, ये लोकल इसने चलना है नहीं, लोकल इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसको यहाँ पे पोर्ट नहीं मिलेगा। इस पोर्ट को मैं 2 मिनट के लिए 3000 करके इसको मैं लोकल चला देता हूँ। ठीक है जी, रनिंग ऑन 3000 लोकल होस्ट 3000। तो ये जी हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे चल गया, हेलो वर्ल्ड, ये वाला प्रोजेक्ट। अच्छा जी, इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि लोकल हमें चलाना नहीं है इसको। अच्छा जी, तो ये हमने अपना प्रोजेक्ट चलाया लोकल, अब इसको हम चलाने जा रहे हैं डॉकर पे। अच्छा, डॉकर पे चलाने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले एक डॉकर फाइल है हमारे पास जो डॉकर से रिलेटेड है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रॉम नॉड कॉलन कार्बन अल्पाइन। अच्छा, ये नॉर्ड और कार्बन अल्पाइन क्या चीज़ है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में यूबुंटू का इमेज डाउनलोड किया था। अच्छा, यूबुंटू का इमेज डाउनलोड करके भी हम यहाँ पे हम यूबुंटू भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, और लेटेस्ट टैग, लेटेस्ट टैग हम ना भी लिखें ऑप्शनल होता है, सिर्फ यूबुंटू लिखने चल जाएगा। मगर ये कार्बन अल्पाइन लिखने का मकसद क्या है, कार्बन अल्पाइन लिखने का मकसद ये है कि ये नॉट जेएस वालों ने ना खुद से एक कंटेनर हमें बना के दिया हुआ है। अगर हम यूबुंटू यूज़ करेंगे उसके अंदर नॉट जेएस इंस्टॉल हुआ हुआ नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। हम वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पे apt get की पूरी कमांड लिख सकते हैं कि apt get और नॉट जेएस और ये, तो ये इन्होंने खुद से बना के दिया हुआ है ना, और ये इसको मेंटेन भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं इसको बिल्ड करूँगा तो ये फ्रेश वर्जन जो है ना उठा के लाएगा डॉकर हब से,
मिसाल के तौर पे अगर इनकी कल कोई अपडेट आ जाती है और फिर परसों कोई बंदा इसको दोबारा चलाता है, तो वो अप टू डेट चीज़ जो है ना हमें मिलेगी। अच्छा जी, तो ये हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कार्बन अल्पाइन को इससे अपने प्रोजेक्ट को शुरू किया। अच्छा, उसके बाद वर्क डायरेक्टरी। वर्क डायरेक्टरी क्या चीज़ है कि ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा उठ कर आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, उसका एक कंटेनर बनेगा, उस कंटेनर में हमने ये फोल्डर बना लिया, यूज़र स्लैश सोर्स स्लैश ऐप। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी का कोई भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि abc/def, नो इशू, ये आपकी मर्ज़ी का हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो अच्छा, वर्क डायरेक्टरी क्या चीज़ है, वर्क डायरेक्टरी उसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अपना अगर फोल्डर का स्ट्रक्चर दिखाऊँ, ये मेरा पीसी का फोल्डर स्ट्रक्चर है। अच्छा, वर्क डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, मेरी वर्क डायरेक्टरी यहाँ गए, प्रोजेक्ट्स में गए, प्रोजेक्ट्स में गए, और ये मेरी वर्क डायरेक्टरी है। तो हमने उस मशीन के अंदर इसी तरह एक ये डायरेक्टरी बना ली, हमने ये डायरेक्टरी बना ली इस मशीन में, और उसको कहा कि भाई ये हमारी वर्क डायरेक्टरी है। तो अब ये जैसे ये मेरी मशीन में वर्क डायरेक्टरी थी विंडोज़ के अंदर, अब ये वाली वर्क डायरेक्टरी बन जाएगी मेरी कहाँ पर, कार्बन अल्पाइन में। अच्छा, कार्बन अल्पाइन है क्या चीज़, ये अल्पाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स पे बना हुआ है, ये बहुत ही छोटा होता है, 5 MB का। वो अल्पाइन को लेके नॉर्डजेस वालों ने उसमें नॉर्ड वगैरह इंस्टॉल करके, npm इंस्टॉल करके उसका एक इमेज बना के हमें दे दिया, ताकि हम जब इसको उठाएं ना तो हमें नॉर्डजेस npm सब हुआ हुआ मिले, और कुछ छोटी मोटी डिपेंडेंसीज जो यूज़ होती हैं http वगैरह वो भी इसमें हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया और डॉकर से कहा कि यार ये अब हमारी वर्क डायरेक्टरी। अच्छा, अब जितनी भी मजीद कमांड चलेगी वो सब इसके अंदर चलेगी, मतलब ये प्री एजम्पशन होगी कि जो भी कमांड चल रही है वो इसमें चल रही है। अच्छा, उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने कॉपी किया अपना पूरा प्रोजेक्ट। पूरा प्रोजेक्ट का मतलब है ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, डॉट का मतलब होता है ऑल फाइल, ये वाइल्ड कार्ड है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने कहा डॉट, डॉट का मतलब है ये वाला सोर्स और डेस्टिनेशन का मतलब है ये वाला। अच्छा, यहाँ पर डॉट है तो डॉट का मतलब यहाँ डॉट नहीं है, डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, डॉट का मतलब यहाँ पर ये कि हमारे इस प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइलें पड़ी हुई हैं उसको सबको उठा के कहाँ कॉपी कर दो, यहाँ पे कर दो, क्योंकि ये प्री एग्जाम्पशन है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें सिर्फ डॉट लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर करो रन npm इंस्टॉल। अच्छा, रन npm इंस्टॉल भी कहाँ हो रहा है, इस वाले लेवल पे हो रहा है, इस वाले लेवल पे हो रहा है ये। अच्छा, npm इंस्टॉल करने से क्या हुआ, चूँकि हमारा प्रोजेक्ट कॉपी हो चुका है वहाँ पर, तो उसमें package.json की फाइल अवेलेबल होगी, तो क्या होगा कि npm इंस्टॉल होगा, सारी फाइलें package.json को रीड करेगा और सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेगा। अच्छा, जब हम प्रोडक्शन में होंगे तो हम इस तरह इसको प्रोडक्शन का फ्लैग देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी मशीन है इसका जो है हम एनवायरनमेंट यहाँ से वेरिएबल्स पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्चुअली ये जो हमारी मशीन है ये एक ब्लैक बॉक्स होगा, ये एक ब्लैक बॉक्स है, हमने इसका एक इंटरफेस डिफाइन कर दिया है, तो ये हम पूरी मशीन एक्चुअली सेंड करेंगे किसी भी जगह, या पूरी एक नई मशीन होगी हमारे पास। तो अंदर जो मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल, वो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से पास कर सकता हूँ। तो अब जब ये डॉकर का कंटेनर रन होगा तो ये पोर्ट का जो वेरिएबल मैंने यहाँ पे बनाया है 3200, वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा और ये 3200 पे रन हो जाएगा। अच्छा, और एक्सपोज कर दिया मैंने 3200 को, मतलब मेरा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो चल रहा था, इसमें प्रोजेक्ट अपना कॉपी किया, npm इंस्टॉल किया, 3200 पे चलाया और 3200 को ओपन कर दिया कि कोई भी पब्लिक आए और 3200 पे इस मेरी मशीन को एक्सेस करे, और फिर 3200 पे जब एक्सेस करे तो क्या होगा, वो यहाँ पे हमने डिसाइड किया हुआ कि यार स्लैश हो तो जो है ना ये रिटर्न कर दो या कुछ जो भी एक्सेट्रा, ये तो फिर node.js पे चला गया। अच्छा, इसकी जगह आपका फ्लास्क भी हो सकता है, इसकी जगह आपका कोई भी सर्वर हो सकता है, जैसे पाइथन में वो कौन सा है, बहरहाल कोई सा भी हो सकता है, फ्लास्क और नॉट जैसा भी मेरे जहन में आ रहा है, इसके अलावा PHP का भी हो सकता है। अच्छा, तो हमने क्या किया, 3200 को बना के पोर्ट यहाँ पे डिफाइन करके एनवायरनमेंट वेरिएबल 3200 के पोर्ट को एक्सपोज करा दिया। अच्छा, कुछ जगहों पे जो ये एक्सपोज करना है ना, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं समझा जाता, तो वहाँ पे ना हम लोग ये यूज़ करते हैं, गेनिकॉर्न यूज़ करते हैं, और बाइंड कह के हम लोकल होस्ट और यहाँ पे ये पोर्ट बता देते हैं। ये डॉलर पोर्ट का मतलब क्या है, डॉलर पोर्ट का मतलब ये है कि जो यहाँ पोर्ट मैंने डिफाइन की है ये उस पोर्ट की बात हो रही है। एक्चुअली ये जहाँ पर भी मुझे इस पोर्ट को एक्सेस करना होगा मैं डॉलर पोर्ट लिखूँगा तो ये मुझे मिल जाता है जहाँ पर भी मुझे चाहिए होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक ऐड यूज़र किया। ऐड यूज़र करने का मकसद ये है कि हमने अपने जो हम ये सब जो काम कर रहे हैं, ये सब जो काम कर रहे हैं ये हम रूट यूज़र के एक्सेस में काम कर रहे हैं।
तो हमें जो अपने प्रोजेक्ट को रन करना है वो एज अ रूट यूज़र नहीं करना, हमने एक अपना माई यूज़र के नाम से एक नया यूज़र बना लिया एड यूज़र की कमांड से, और उस यूज़र पे लॉगिन हो गया और उसके बाद npm स्टार्ट चला दिया ताकि हमारा प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाए। अच्छा जी, अब इसको जो है वो प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। मैं काइटमेटिक पे आ जाता हूँ। ये मेरे पास ये वाला वो है इमेज जो जिससे मैंने स्टार्ट किया, नॉर्ड कार्बन अल्पाइन, ये टैग है इसका कार्बन अल्पाइन। अच्छा, तो इससे हमने शुरू किया है और इस पे ये सारा कुछ करके, ये सब कुछ इंस्टॉल करके, ये प्रोजेक्ट कॉपी करके, ये ऐड यूज़र करके, npm स्टार्ट करके, अब इसका हमें एक बिल्ड बनाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जैसे हम अपनी मशीन में माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ होता, तो इसी तरह ये नॉर्ड कार्बन अल्पाइन है, ये मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ, अभी इसको हम चला के भी देख सकते हैं। ये मैंने इसको क्रिएट कर दिया, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इस वक्त, ठीक है, इसमें ना नॉर्ड है, नॉर्ड तो बल्कि है इसमें क्योंकि वो नॉर्ड जेएस वालों ने करके दिया हुआ है। ls करेंगे हम, और कौन सा था, तो इसमें इस वक्त कुछ भी इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, ना इसमें मेरा प्रोजेक्ट है ना कुछ है, तो इसको हम बेस बना के, इसको हम बेस बना के जो है वो क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट इस पर बिल्ड कर रहे हैं। तो ये हमने इससे स्टार्ट किया था, इस पर फिर हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई, अपना प्रोजेक्ट कॉपी किया, npm इंस्टॉल किया, इसका एक्सपोज किया पोर्ट, और उसके बाद ऐड यूज़र करके npm इंस्टॉल चला दिया। अच्छा, इसको बिल्ड करना है, बिल्ड करने के लिए क्या है, कुछ कमांड लाइंस हैं जो मुझे याद नहीं रहती तो इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे। अच्छा, क्या है भाई, डॉकर बिल्ड -t यूज़र नेम, उसके बाद ऐप का नेम, उसके बाद टैग। अच्छा, इसको ऐसे लिखने की वजह क्या है, हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते थे abc, तो ये abc के नाम से क्या कर देता है, एक इमेज बना देता, मगर ये हमने इसलिए लिखा है ऐसे ताकि जब हम इसको डॉकर हब पे पुश करें तो वो क्या हो, सीधा सीधा ऐसे ही पुश हो जाए। ये इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले यूज़र नेम, जो डॉकर हब पे जो भी आपका यूज़र नेम है वो होगा यहाँ पे, उसके बाद आपकी जो आप जो ऐप बनाना चाह रहे हैं या जो आप अपनी इमेज का नाम रखना चाह रहे हैं वो ये नाम होगा वो, और उसके बाद कॉलन लगा के टैग होगा। अच्छा, टैग बाई डिफ़ॉल्ट ये रखता है लेटेस्ट, अगर आप टैग नहीं देंगे ना तो ये लेटेस्ट रखेगा खुद से, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको देते हैं डेव। अच्छा, डेव देने का मकसद क्या है, ये हम थोड़ा बाद में वो करेंगे, बल्कि डेव सिंपल है, टैग तो तीन हम टैग यूज़ करते हैं अपने पास, डेवलपमेंट जब कर रहे होते हैं तो डेव यूज़ करते हैं, और प्रोडक्शन में प्रोडक्शन यूज़ करते हैं, और एक स्टेजिंग बनाते हैं, तीन टैग्स आमतौर पे लोग लगाते हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं, नो इशू। तो अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम डेव के टैग में अभी रहेंगे। अच्छा, इसको कमांड को मैं चला देता हूँ ताकि ये बिल्ड हो जाए हमारे पास। ठीक है जी, ये बिल्ड होना शुरू हो गया। छोटी मोटी वार्निंग देता है, नो इशू। अच्छा जी, ये बिल्ड हो चुका है हमारे पास। अब हम यहाँ काइट मैट्रिक में आके, मुझे काइट मैट्रिक को रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी अल्फा में है, ये खुद से रिफ्रेश नहीं होता पता नहीं किस वजह से, तो ये मैंने इसको बंद करके दोबारा खोल दिया। अच्छा, तो ये आ गया मेरा यूज़र नेम और मेरी ऐप का नाम, ये एक इमेज बन गई है मेरी, ये एक इमेज बन गई है इन सब चीज़ों के साथ, जो भी हमने यहाँ पे चलाई थी चीज़ें ये इन सब के साथ ये इमेज बन गई है हमारी। अच्छा, इस इमेज को हम चला के देख लेते हैं, सबसे पहले तो काइट मैटिक से चलाते हैं आसानी से, क्रिएट का बटन दबाया, ये चल गया। अच्छा, ये मेरी ऐप चलना शुरू हो गई है, नॉट इंडेक्स रनिंग ऑन 000 पोर्ट 3200। अच्छा ठीक है जी, जैसा कि हमने देखा था, अगर फाइल कहाँ गई, जैसा कि हमने देखा था यहाँ से हमने इसको पोर्ट 3200 दिया था, तो इसको अंदर यहाँ पे 3200 मिला, तो इसने 3200 पोर्ट पे चला दिया उसको। अच्छा, अब हम आए, अच्छा अब ये जो हमारा कंटेनर चल रहा है अंदर, ये देखें, ये बता रहा है कि 3200 पे ना आपके पास कुछ चल रहा है, ये इसलिए इसको पता चल गया कि हमने एक्सपोज किया हुआ है, तो इसको पता चल गया यहाँ पे कि 3200 एक्सपोज हुआ है, उस पर कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे पीसी पे ये इस पोर्ट पे अवेलेबल होगा, तो हम ज़रा इसको खोल के देखते हैं कि हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया है, चल गया, और यहाँ पर ये लॉग्स भी आ गए होंगे काइटमेटिक में। ठीक है जी, ये जितनी बार मैं उसको हिट करता जाऊँगा उतनी बार ये लॉग्स आते जाएंगे, 4-5 दफ़ा मैंने F5 दबा दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो ये मेरा चलना शुरू हो गया। अच्छा, इसको हम कर देते हैं स्टॉप, और अच्छा अब अगर हम इसको कमांड लाइन से चलाते तो हमें क्या करना पड़ता, अब कमांड लाइन से इसको हम चला के देखते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं फौरन। अच्छा, यहाँ पर कमांड लाइन से चलाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डॉकर रन -p। अच्छा, -p क्या चीज़ है, पोर्ट है, ये हमारे भी आप पे ये पोर्ट वाला काम
काइटमैटिक ने खुद से कर दिया था। हमने कहा कि यार 3200 जो पोर्ट चल रही है अंदर, उसको इस पोर्ट पे ले लो, यानी कि कंटेनर के अंदर 3200 पे जो भी चीज़ चल रही है वो हमारी मशीन में इस पोर्ट पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद मेरे इमेज का नाम पूरा, ठीक है जी। इसको मैंने कॉपी किया और ये कमांड मैंने चला दी यहाँ पे, ठीक है जी, ये रनिंग ऑन 3200, वो लॉग्स आ गया हमारे पास। अच्छा, अब क्या होगा, 3200 पे जो चीज़ चल रही है अंदर वो मुझे यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी। कौन सा हमने लिखा था पोर्ट, हमने लिखा था 49160, ठीक है जी, 49160 पे ही हमें मिलना शुरू हो गया। अच्छा, अब इसको जो है पुश करना है हमें। अच्छा, ये जो चल रहा है ये काइटमैटिक में भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है फ़ौरन, ये जो मैंने अभी कमांड लाइन से चलाया है ये काइटमैटिक में भी फ़ौरन से नज़र आना शुरू हो जाता है कि हाँ यार ये चल रहा है। अच्छा, वहाँ से मैं रोकूंगा तो यहाँ से खुद से गायब भी हो जाएगा, ठीक है जी, गायब हुआ नहीं हुआ, ये खुद से रिफ्रेश नहीं होता कभी कभी, तो हम उसको ना बंद करके खोलते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली बंद नहीं हुआ, ये मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करके इसको वो कर दिया था, तो एक्चुअली ये बंद नहीं हुआ, ये कमांड लाइन से बाहर आ गया लेकिन बैकग्राउंड में ये चल रहा है, तो नो इशू, हम यहाँ से भी इसको बंद कर सकते हैं। हमने यहाँ से स्टॉप कर दिया इसको, और स्टॉप करके मैं फ़ौरन ही इसको रिमूव भी कर देता हूँ ताकि ज़्यादा कचरा ना हो। अच्छा, तो अब हमें इसको पुश करना है, तो सबसे पहले तो हम इसको डॉकर हब पे पुश करके ट्राई करते हैं। अच्छा, डॉकर हब पे पहले चलते हैं, मेरे पास पहले से कौन से प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे, डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट मौजूद है नॉर्ड वेब एप्लीकेशन के नाम से। अच्छा, अब मैं सिंपल आऊँगा डॉकर पुश और ये लिख के, और ये मैंने कमांड चलाई। अच्छा, ये पहले ऑथेंटिकेशन करता है, आपको डॉकर लॉगिन की कमांड पहले चलानी पड़ेगी, वो लिखा हुआ है इसके अंदर कैसे होता है, सिंपल आपको यूजर नेम पासवर्ड टाइप करना होता है, तो आपका ये कमांड लाइन ऑथेंटिकेट हो जाता है, उसके बाद आप पुश कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये पुश हो गए हमारे सारे लेयर्स, अब यहाँ पे ये अवेलेबल हो जाएगा, अभी हो रहा है, अभी एक्चुअली हुआ नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ रिफ्रेश करते ही हमारे पास ये प्रोजेक्ट अभी तक हो रहा है, हो रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास माई ऐप करके ये आ चुका है। अच्छा, इसको आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है, किसी को भी आप ये इमेज भेजेंगे वो उसको क्लोन करके अपने पास चला सकता है।